हाय गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमें मिला था हमारा राइवल ग्रीन जब हम रूट फोर की तरफ को आ रहे थे। ब्रोक को हराने के बाद ब्रोक को हमने इजीली हरा दिया था अपने ग्रासी की मदद से। तो फिर जब हम इधर को आ रहे थे तो राइवल ग्रीन के साथ बैटल हुई। फिर हम जब इधर रूट फोर पर आए, यहाँ रूट फोर पर आए तो इधर एक कट सीन था और उस कट सीन में दिखाया कि मिस्टी का गरुडोस मिस्टी के ऊपर ही हमला कर रहा है। तो फिर हमने मिस्टी को बचाने के लिए अब वोल्टी का इस्तेमाल किया। ये हमारा वोल्टी, इसका भी लेवल 26 है। फिर हमने मिस्टी से पूछा कि वो हमला क्यों कर रहा था। तो हमने असली एनाइम तो देख ही रखा है जिसमें कि दिखाया गया है कि मिस्टी गरुडोस से डरती है, वो उसके कुछ अपने फंडे हैं, तो वो बाद में बात करेंगे किसी दिन, और फंडों को लेकर एक वीडियो बनाया जाएगा। हाँ गाइस, तो फिर अभी इसी वीडियो की तरफ को चलते हैं। फिर हमने पूछा कि गरुडोस यहाँ पर कैसा है, क्योंकि लिटरली रूट फोर पर कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। इधर इधर और इधर कहीं भी पानी नहीं, और ये ग्रास कट इधर कट करना है पर यहाँ भी पानी नहीं है। वो दूसरा रूट शुरू हो जाएगा उधर की तरफ से, क्योंकि वहाँ स्टेयर के आगे एक बोर्ड ज़रूर मिलेगा। तो फिर अभी हम यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद हमें पता चला कि इधर एक पोकेमॉन सेंटर भी है। तो फिर हम इधर आए और प्रोफेसर रोक से बात की, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेनर दिए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी तो, थोड़ी एडवाइसेज लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम इधर को आए। इधर जब एक कटसीन आया, इधर टीम रॉकेट के तीन बंदे थे शायद, हाँ तीन टीम रॉकेट के तीन बंदे इधर को कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने हमें देखा तो फिर वो अंदर चले गए। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मतलब टीम रॉकेट का ही काम है वो। पहले तो मुझे नहीं लग रहा था, मतलब एडवेंचर रेड चैप्टर गेम है तो दूसरी विलन ओरिजिन होनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। फिर आज हमें टीम रॉकेट के पीछे जाना है के वे, और इधर पर ज़्यादातर तो रॉक टाइप पोकेमोन ही, और सभी बैटल्स मतलब ज़रूरी नहीं है उन्हें मैं कट कर दूँगा, और जो ज़रूरी है ये ट्रेनर बैटल्स हैं जैसे कि इनको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। फिर अभी आगे को चलते हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगी टीम रॉकेट। दो पोकेबॉल्स हैं, रेयर कैंडी तो ज़रूर मिलेगी इधर, 100% गारंटी है। इसके में रेयर कैंडी तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने 2-3 साल पहले गेम खेला था तो फिर तो पता है कि इस गेम में रेयर कैंडी बढ़ती है लिटरली, मतलब कुछ है ही नहीं रेयर कैंडी तो इस गेम के लिए। और कुछ कटसीन में हिस्सा लेने पर एक्स्ट्रा रेयर कैंडी भी मिलती है इधर। यह भाषा थोड़ी जापानीज है शायद, हाँ। यहाँ पर लिटरली हर जगह पर पोकेमोन मिल रहे हैं, पेपर लेकर आना पड़ेगा आपको, तो पता नहीं चलेगा इतना। गाइस, मुझे इस वीडियो में इतने कट मारने पड़ेंगे इन पोकेमोन्स की वजह से। गैस टीम रॉकेट क्विक हाइट, देन वी विल हैव टू यूज एक्सट्रीम फोर्स। सो इज राइट, दे आर लुकिंग फॉर द मूनस्टोन। मतलब प्रोफेसर ओक ने जो हमें बताया था कि इधर मून स्टोन के पीछे ही हो सकती है टीम रॉकेट, तो अभी उनके पीछे भी जाएंगे हम। पहले इसे डिफीट कर देते हैं।
तो गाइस मतलब इन सभी को सिर्फ ये ऑर्डर मिला हुआ है कि जो भी आए उसको या तो पैरालाइज कर दो या फिर मार दो। बस मतलब इन्हें उस मून स्टोन की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब अगर मुझे हमको अपना स्पाई इवॉल्व करना है आई एम नॉट स्टूपिड यू विल सी नाउ। क्वेश्चन के पास शायद लगे हो सकता है जहाँ तक मेरा कहता है, जब 100% शोर नहीं हो सकता है शायद। बस अगर कभी कोई जाना चाहते हो तो हमारे जाएंगे और तब हो फिर गाइस ये हो चुका है काफ़ी अपना कुछ ना स्क्रीन का सारा भी दिखेगा स्कोर तो नो तो फिर आपको फोन करने पड़ेंगे ये साइड स्क्रीन से काम लेना चाहिए हमको मेरा ख्याल है। ये भी फिर गाइस तस्वीर बिगलेट ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है डगर मैगनीट्यूड। यस यस वीट के लिए हम स्पाइक को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्रास हो जाते पाइप दोनों पर मतलब बगैर सुपर क्राफ्ट पाइप ज़्यादा सब नहीं करते और हमारे स्पाइक के पास पैक अटैक भी है जो कि बहुत सुपर क्राफ्ट पाइप पर सुपर इफेक्टिव होता है और शायद फाइटिंग टाइप पर भी सुपर इफेक्टिव होता है। अभी मैं जल्दी से अपने पोकेमोन हील कर लेता हूँ तो मैं अभी अपने सभी पोकेमोन हील करके वापस आ चुका हूँ। बिग मशरूम और टाइनी मशरूम शायद मूव डिलीटर या फिर मतलब जो वो होते हैं मूव रिमाइंड करने वाले वो लेते हैं शायद से। मतलब और रूम उसमें तो ऐसा ही होता है इसका नहीं पता कुछ। रेपल यस मैं वो रेपल जो हमारे पास पहले से था उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि मतलब मैं चाहता था कि यहीं से कोई चीज़ मिले जो कि यही मदद करते मेरी तो मेरा लॉजिक थोड़ा फिक्स है। और शायद यहाँ पर डुअल बैटल होने वाली है हमारी इन दोनों के साथ शायद मिस्टी लड़ेगी शायद हमारे साथ शायद से तो देखते हैं interfering with our mission it's time for extreme force Misty star my knock them away whoa that was awesome pick the exit is up ahead we are very close to cerulean city to kya matlab cerulean city jayenge bas abhi hum log nahi aur shayad inse battle karni hai Hunting our comrades, let's teach them our lesson, Jess. Don't look tired, let me heal. शायद मुझे वेट करना चाहिए था थोड़ा सा रोन सेंटर ना जाके यहीं पर हील हो जाता मुझे। जेस एंड जेमी और जेसी और जेम ओरिजिन डिफरेंट एवरीथिंग सुपर पोर्शन आई एम डेफिनेटली गोना चेक हियर गाइस आफ्टर कंप्लीट यू आर टीम रॉकेट हु आर यू यस आई ओ यू एन आंसर सो लेट्स डू इट आई चैलेंज यू या यू कैन चैलेंज मी But I will easily defeat you because you have a rock type and I have a grass type and you and boom yes. But
टीम रॉकेट का मास्टर इतनी आसानी से हार गया। लुक लाइक मच बट श्योर दिस मैच दिस टैक्स मी बैक टू व्हेन आई वाज अ चाइल्ड नाउ लेट मी शो यू द ब्यूटी ऑफ एडल्ट्स इंजेक्टिंग इनटू हिज लाइफ रॉ दिस इन अ लॉट ऑफ पेन रॉ और इंजेक्शन में डिसाइड ओनली वाज इनटू अ राइट जॉन आई डोंट सजेस्ट आई डोंट कि इतना पास जाना सही रहेगा मिस्टेक Where can I stab you? Check. It's working. No. It will not work. जहाँ तक मेरा ख्याल है इधर लोहे से बने हुए पोकेमॉन लिया साइन पोकेमॉन बट ये नहीं एक साइड तो स्टिक टाइप जो होते हैं तो कोई नहीं सोच रहा कि शायद स्टार डिफेंड हो जाए पर यहाँ पर तो शायद मिस भी मिल चुकी है पता नहीं देखते हैं ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉन्शियस हो सेंटर ये क्या है मून स्टोन यस फाइनली स्पाइक विल वॉल्व गाइस वी थिंक यू आर ग्रैपिंग व्हाट वाज दैट फॉर Sorry, I told you while trying to wait what happened to that guy and his Rhino. You should have seen me in there. I nailed that Rhino easily. It's impressive. But without the Moonstone, you might as well have lost. If you would let me finish my story, I have the Moonstone as well. What? When did you? How did you? It was just lying on the floor when the cave was collapsing. Now let's head to Cerulean City. Let's go. End of Mount Moon chapter 7 Cascade Bank chapter तो यस ये यहाँ पर जा रहा है सर्वियन सिटी और ये वो गाइस तो एक शॉर्टकट है ये सर्वियन सिटी यहाँ पर दूसरा पार्ट चलेगा तो आज का एपिसोड के लिए बस इतना ही गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मतलब मेरा मैंने पहली बार एक वॉइस ओवर वीडियो बनाया है तो इतना अच्छा नहीं बनाया होगा लगता तो है मुझे कि थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया है मतलब पहले मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था पर थोड़ा थोड़ा आता जा रहा है तो मुझे लगता है कि मैंने इसके में कुछ पार्ट्स छोड़ दिए हैं ठीक है ना उन्हें एक्सप्लोर करना है मुझे अभी तो मैं जाकर ऑफलाइन एक्सप्लोर करता हूँ और डेफिनेटली अपने पोकेमॉन को लेवल 30 का करूँगा क्योंकि सर्विलियन सिटी जिम लीडर मुझे मिस्टी लग रही है कि वो लेकर आई है मतलब सर्विलियन सिटी में तो ओरिजिन मतलब एनआईएम में भी देखा जा सकता है कि उसकी बहनें मिस्टी की बहनें अभी नहीं थी उस समय जिम पर जब ऐश ने बैटल की तो सर अब भी ऐसा हो सकता है कि ना हो इसको कैब को एक्सप्लोर करूँगा पर लेवल अप सीन में ज़रूर दिखूँगा ठीक है ना गाइस तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाय